हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमारी ये सीरीज स्टार्ट हुई थी जहाँ पे हम 500 प्लस एमसीक्यूज को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री से, कुछ क्वेश्चंस हमने कवर किए थे, वहीं आगे से कंटिन्यू करते हैं। आज आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज डिजाइंड इन द 7 प्रोविंसेस इन 1939 बिकॉज। अब जो ये कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी थी 7 प्रोविंसेस में, बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था इन द ईयर 1939। रीज़न क्या था? जब वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर हुई उस टाइम क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना इंडियन लीडर से पूछे, बिना इंडिया की कंसेंट लिए, इंडिया की सपोर्ट डिक्लेयर कर दी थी इन फेवर ऑफ ब्रिटेन। उस वजह से क्या हुआ था, इन्होंने बाद में रिज़ाइन कर दिया। स्टेटमेंट देखते हैं, द कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म द मिनिस्ट्रीज इन द अदर 4 प्रोविंसेस, ये रीज़न नहीं था। सेकेंड, एमरजेंस ऑफ लेफ्ट विंग, ये भी नहीं था। थर्ड, देयर वर वाइड स्प्रेड कॉम्युनल डिस्टर्बेंसेज, सो कॉम्युनल राइट्स भी रीज़न नहीं था। तो क्या ऑप्शन होगा? नन ऑफ द अबव। मेन रीज़न क्या था? इंडिया की सपोर्ट डिक्लेयर करना बिना उनसे पूछे। नेक्स्ट पे आते हैं, द गांधी इरविन पैक्ट, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, एक एक करके देखते हैं। पहला, इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द, सेकेंड होगा इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो ये पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, वो कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने अटेंड नहीं की थी। कांग्रेस को इनवाइट करने के लिए ही इरविन ने ये डिमांड रखी थी कि आप आओ इस टेबल, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसको अटेंड करो। तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड, विदड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमुलिगेटेड इन द कनेक्शन विद सिविल डिसओबिडेंस मूवमेंट। तो ये डिमांड भी इरविन की तरफ से थी। उन्होंने ये कहा था कि जो आपने सिविल डिसओबिडेंस मूवमेंट लॉन्च की है, उसको वापस ले लो, ठीक है, विदड्रॉ कर लो। नेक्स्ट है, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, इस तरह की कोई भी डिमांड नहीं मानी थी। ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस। तो ये इरविन ने डिमांड मानी थी कि जितने भी आपके प्रिजनर्स हैं, इंडियन प्रिजनर्स हैं, बट कौन से, जिनके ऊपर वायलेंस का चार्ज नहीं है, उनको हम रिहा कर देते हैं, उनको रिलीज कर देते हैं। और यही रीज़न था इसके बाद जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी, उनको क्यों नहीं छोड़ा गया था इस टाइम, क्योंकि उनके ऊपर वायलेंस के चार्जेस थे, मर्डर के चार्जेस थे। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1, 2 एंड 4, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा असफ अली वॉज ए मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी इन। सो जो ये अरुणा असफ अली थी, या जिनको ओल्ड ग्रैंड लेडी भी कहा जाता है ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये कौन सी मूवमेंट के टाइम एक्टिव थे? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम, ठीक है। इन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविटी तो चलाई थी, इसके अलावा जो ग्वालियर टैंक मैदान था बॉम्बे में, वहाँ पे जाके इन्होंने क्या किया था, ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट किया था। तो दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं इनके रिलेटेड। नेक्स्ट पे आते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंड द क्रिप्स मिशन टू इंडिया। सो इनमें से कौन प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जब उन्होंने क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा था? विंस्टन चर्चिल, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिन विद द डांडी मार्च। डांडी मार्च जो महात्मा गांधी ने इनिशिएट किया था, उसके बाद कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी? सिविल डिसओबिडेंस मूवमेंट। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया वैन द रोलेट एक्ट वॉज पास। अब जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, कि उस टाइम वाइस रॉय कौन था, जब ये एक्ट पास हुआ उस टाइम गवर्नर कौन था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब जब रोलेट एक्ट पास हुआ था उस टाइम वॉइस राय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज द स्लोगन डू और डाई एसोसिएटेड। जो ये करो या मरो का जो स्लोगन था, ये कौन सी मूवमेंट के साथ रिलेटेड है? क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सॉन्ग अमार सुनार बांग्ला रिटन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड द लिब्रेशन स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश एंड वॉज एडॉप्टेड एज नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। हु रोड दिस सॉन्ग। तो जो ये सॉन्ग था अमार सुनार बांग्ला, ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। जब 1905 में पार्टीशन हुई थी बंगाल की, उस टाइम लोगों ने ये गाना गाया था, और बाद में ये बांग्लादेश का क्या बन गया? नेशनल एंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो ये जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है, ये किसने बनाई थी? महात्मा गांधी ने। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, ठीक है, महात्मा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ. तो जो लास्ट अपॉर्चुनिटी आई थी इंडिया के पास, कि जो मेन रीज़न क्या था, मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का लास्ट उन्होंने भेजा था कैबिनेट मिशन. ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट की इसमें बात की गई थी कि इंटरिम गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लो, पार्टीशन मत करो, लेकिन मुस्लिम लीग ने नहीं माना. इवन कि उनकी 73 सीट्स थी शायद 78 में से, स्टिल उन्होंने वो प्लान रिजेक्ट कर दिया. और किसकी डिमांड रखी, सेपरेट नेशन की. लास्ट क्या था, कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड आफ्टर द. सो ये हंटर कमीशन किस लिए किया गया था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच पड़ताल के लिए कौन सा मिशन, कौन सी कमीशन सेट की गई थी. ठीक है, हंटर कमीशन राइट ऑप्शन होगा बी, जलियांवाला बाग मासेकर इसके बाद सेट हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स प्रपोज टू अडॉप्ट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज गोल ऑफ कांग्रेस इन द अहमदाबाद सेशन ऑफ 1920. तो इस सेशन में जो कांग्रेस का कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल था, कि किसने प्रपोज किया था, राइट आंसर क्या होगा, मौलाना हसरत मोहानी. बट जो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट है, ये INC से भी पहले कौन सी पार्टी ने रखा था, CPI ने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चिटागोंग आर्मरी रेड. तो ये रेड किसने ऑर्गेनाइज की थी, सूर्य सेन ने. 1931 में ये रेड हुई थी, उसके बाद 1930 बी ऑप्शन, ठीक है, 1933 में उनको फांसी भी हो गई थी इसके लिए. नेक्स्ट आते हैं. वेयर वर द गदर रेवोल्यूशनरीज हु बिकेम द एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ World War I बेस्ड. अब जो ये गदर रेवोल्यूशनरीज थे जो World War I के टाइम एक्टिव हुए, ये कहाँ से अपना काम कर रहे थे, कहाँ से एक्टिव थे, बेस क्या था इनका, सैन फ्रांसिस्को, जो कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में. ठीक है, अब यहाँ पे गदर पार्टी की बात हो रही है. तो लास्ट लास्ट या उससे पिछले साल एक क्वेश्चन आया हुआ है कि गदर पार्टी के मेंबर्स कौन थे, और उन ऑप्शंस में थे, एक ऑप्शन था भगत सिंह. भगत सिंह ऑप्शन नहीं होगा, भगत सिंह कभी भी गदर पार्टी के मेंबर नहीं बने. ठीक है, ये शायद पिछले से पहले आया हुआ एक बार क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द ईव ऑफ लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी. अब स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या है. आस्क द गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू रिजाइन. सो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम महात्मा गांधी ने कभी भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को रिजाइन करने के लिए नहीं बोला था. नेक्स्ट है, आस्क द सोल्जर्स टू लीव द पोस्ट. सो ये स्टेटमेंट भी गलत है. उन्होंने आर्मी, जो आर्मी के मेंबर्स थे उस टाइम, आर्मी में थे लोग सोल्जर्स, उनको ये कहा था कि आप फायर मत करना, लेकिन अपनी पोस्ट छोड़ने के लिए उन्होंने नहीं कहा था. नेक्स्ट है, आस्क द प्रिंसेस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ देयर ओन पीपल. सो ये स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है. सही स्टेटमेंट कौन सी है, सिर्फ थर्ड. तो आंसर क्या होगा, थर्ड ओनली. ठीक, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वॉज ए कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935. सो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे इनकी मिनिस्ट्री नहीं बनी थी. बनी कहाँ कहाँ पे थी, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, बिहार में, असम में, ओडिशा में, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में. ठीक है, इन सब में बनी थी. पंजाब में उनकी मिनिस्ट्रीज नहीं बनी थी. करेक्ट नहीं पूछा है ना, हाँ, नॉट फॉर्म. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एट विच कांग्रेस सेशन वाज द वर्किंग कमेटी ऑथराइज टू लॉन्च ए प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसओबिडेंस. तो सिविल डिसओबिडेंस लॉन्च करने के बाद कौन से सेशन में की थी, लाहौर सेशन. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन अक्टूबर 1920 हु हेडेड द ग्रुप ऑफ इंडियन गैदर्ड एट ताशकेंट, जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, टू सेट अप ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हेड कौन थे, किसने किसने सेट की थी ये पार्टी. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एमएन रॉय. इसके अलावा मुखर्जी, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक, वो भी इनके साथ थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1885. पहले हमने पढ़ा था कि INC बनाई किसने थी, कौन रिस्पॉन्सिबल था बनाने के लिए. आज यहाँ पे है कि फर्स्ट सेशन दिसंबर 1885 में जो हुई थी, हुई कहाँ पे थी, ये हुई थी बॉम्बे में, और प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी. आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल
16 अक्टूबर 1905 इज़ वेल नोन फॉर, तो जो ये 16 अक्टूबर 1905 का डे है ये किस लिए जाना जाता है, क्या हुआ था इस दिन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, इसलिए इसको सॉरी मॉर्निंग डे ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च नहीं हुई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको इस कंटेंट से कोई हेल्प मिली हो, इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सो स्टे अपडेटेड, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है, थैंक यू।